साथियों, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ईमानदार फीडबैक बहुत जरूरी है। ये मैकेनिज्म ये भी आपको ही विकसित करना ही होगा। पहले के जमाने में कलेक्टर के लिए नाइट होल्ड का एक नियम होता था, एक मार्च टू होल्ड रेशियो भी होता था। इस पूरी कवायद से पता चलता था कि अफसर ने फील्ड में कितना समय गुजारा है। अब ये परंपरा एक प्रकार से उसमें काफी ढीलापन आ गया है, कहीं कहीं तो खत्म हो गई नजर आती है। ऐसी ही एक पुरानी परंपरा थी डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर की, जो अब करीब करीब लुप्त होती नजर आ रही है। हैंडिंग ओवर नोट की भी एक व्यवस्था थी, जिसमें हर जाने वाला अफसर आने वाले अफसर के लिए एक नोट छोड़ करके जाता था। इस नोट के माध्यम से नए अफसर को उस पोस्ट से या उस ऑफिस से जुड़ी चुनौतियां, समस्याओं और अहम मुद्दों को समझने में बहुत बड़ी सुविधा होती थी। गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती थी। ऐसी अनेक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी पुरानी व्यवस्थाओं में रही है, जिन्हें फिर से जीवित करने की जरूरत है। पुरानी अच्छी परंपराओं को आज के युग में नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें उन्हें और समृद्ध करना है और मजबूत करना है। तकनीक को हमें ऑल्टरनेटिव नहीं, मल्टीप्लायर के तौर पर उपयोग करना चाहिए। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म मेल मुलाकातों के पुराने तरीकों के साथ साथ हम सोशल मीडिया का भी अच्छा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया को रिलायबल सोर्स भले ही नहीं माना जा रहा है और नहीं माना जा सकता, लेकिन एक टूल जरूर है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। और हां, हमारे फैसलों, हमारी नीतियों को लेकर जो इनपुट आता है, जो फीडबैक आता है, उसका ईमानदार आकलन भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आंखों और हमारे कानों को अच्छा लगे वही सुनना और वही देखना है। हमें फीडबैक प्राप्त करने के अपने दायरे का विस्तार करते हुए अपने विरोधियों तक की राय को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे हमारे ही विजन को डेप्थ मिलेगी,